सेठ ऊपर कमरे में गहने लेने गया है। अच्छा चलो। ये बत्ती है, जब सिटी की आवाज आए बुझा देना। तू उधर ठहर, तुम दोनों सीढ़ी के पास ठहरो और किसी को मत आने दो। हाँ। चलो इतना। आज तक तो मैंने संभाल रखे, आज ये अमानत आपको सौंप दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। ये देखिए क्या चीज है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अरे क्या हुआ, ये बत्ती क्यों बंद हो गई? बत्ती जलाओ, बत्ती जलाओ, बत्ती जलाओ भाई, अरे बत्ती जलाओ। कौन है? तेरा बाप। चुपचाप खड़े रहो जहाँ खड़े हो। दसरा सारा माल निकालो। नहीं हटाओ, हटाओ मेरे से, मेरी नेक कमाई है। कौन है तू? भाग यहाँ से। चुप। लाता क्या है? जाता है कि तू? चिल्ली लगा रखा है, बेकार में ही आवाज कर रहा है। ये मजाक मत करो, मेरे को अच्छा लगता है। अभी पाजी कहेगा
कर लू। सीधी बैठ। तुम्हारे गाल से खून निकल रहा है, कट गया है। होगा ना, मैं बांध देती हूँ। रहने दे। ना ना, मैं बांध देती हूँ। रहने दे, इतनी हमदर्दी मुझे पसंद नहीं। चलो। कौन थे ये लोग? बदमाश थे सब, बाकी ला उसके साथ ही जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। तेरी इज्जत? मुझे क्या समझते हो, मैं अकेली थी, वो चार थे इसीलिए पार पा गए। बाकी अकेला होता तो मैं इसकी जान ले लेती। बड़ी बहादुर है। जब भाग, कहाँ रहती है? रामदीन के हाथे में। अच्छा जा, कहीं वो लोग आ गए तो फिर झमेला होगा। ए सुन, तू बाहर जाकर देख कहीं कोई पुलिस वाला तो नहीं है। क्या? कोई नहीं है। तूने अच्छी तरह देखा? हाँ हाँ, बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। यही मेरी गली है, यहाँ ऊपर मैं रहती हूँ। जाओ। तुम नहीं आओगे? तनी घर पे चलो ना, मेरी जान तुमने बचाई है। मैं जान बचाने का इनाम इकराम देगी क्या? चल भाग। इनाम भला मैं क्या दूंगी? मम्मी मत कर, सीधे जाओ। जाब, कोई कुत्ता नहीं आएगा। जल्दी लौट आई? मतलब? मतलब ये तू तो वैद्यराजी के यहाँ गई थी ना? दारू का टकरा है। बोतल तो विलायती मालूम है। हाँ। इतने पैसे आए कहाँ से? आ गए। कोई दे गया? कौन? तू नहीं पहचानती उसे? अब मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है। दोस्त? ना बांके लाल। बांके? अब समझी मैं, सांझ से तेरे पेट में दर्द क्यों उठ रहा था? दवाई लाने के बहाने तूने मुझे अकेले क्यों भेजा था? बांके लाल के हाथ में बेचना चाहता है ना? अरे जमना तू मेरी शहदी, वरना शायद कितनी हिम्मत कि मेरा हाथ मुंह बांध कर सड़क पर से उठा ले जाकर खंडन में मेरे जिस्म में हाथ डाले। बाकी की ये हिम्मत? मैं कैसे निकल जा? कहाँ? जहन्नुम में। मेरा खाता है और मुझे का बर्बाद करना चाहता है कमीने। दे जमना, मुझे कमीना ना कह। निकल जाने कहती हूँ, चला गई हूँ। धक्का दे के लाने का। हजार लाखों की निकल जा। देखूंगा। निकल जा, निकल जा। फिर क्यों आया? जा दीजिए दोस्तों के पास। अब की बार खटखटाया तो खोपड़ी फोड़ दूंगी। खैर तो कहां गया वो? कौन? वही लंबा आदमी जिसके साथ तू अभी आ रही थी। का है? जरूरत है उसकी। कहां है वो? मुझे क्या मालूम, वो यहां थोड़ी ना आया, बाहरी से चला गया। देखो फिर कभी आए तो थाने में खबर कर देना। कहे? कौन है वो? कौन है वो यही तो देखना है, जो चार चार आदमी को अकेले जख्मी कर गया। खबर करोगी तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, अगर वो बादशाह हुआ। बादशाह? कौन बादशाह? बहुत बड़ा डाकू है वो, समझी? समझ गई। भूलना नहीं। मैं तुम्हारी दलीलें नहीं सुनना चाहता। I want action, कुछ करो। 1,00,000 रुपए के गहने लेके डाकू भाग निकले? क्या किया तुमने अब तक? ऊपर के अफसरों की बातें तो मुझे सुननी पड़ती हैं। अखबारों ने क्या लिखा है देखा तुमने? लोग ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि मुजरिम पकड़े गए
हेलो सिटी कोतवाली। यस सर। सर डिप्टी साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज की अखबार देखे आपने? देखे आए तो क्या किया, कोई अरेस्ट किया आपने? जी नहीं, पर तलाश जारी है। रात को उन डाकुओं में से एक डाकू नजदीक के खंडर में छुपने गया था, पर वहां चार आदमियों को मौजूद पाकर उन सबको जख्मी किया और भाग निकला। उन जख्मियों में से एक शख्स है गोपी नाम का, दो चार बार का सजा याफ्ता है मामूली जुर्मों में। उसको शक है कि वो डाकू बादशाह था। बादशाह? यू मीन दैट नोटोरियस डकैत? जी हाँ, वही बादशाह। कत्ल और डकैती के और भी कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश है। इज अ शेम ऑन यू, ही इज एब्सकॉन्डिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड एंड यू पीपल आर सिटिंग आइडल। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर कि बादशाह का सही हुलिया कोई बता ही नहीं पाता। सिर्फ इतना पता चला है कि वो कद का काफी लंबा और बड़ा ही ताकतवर जिस्म है। सर इस बार हम पूरी कोशिश में हैं कि वो हमसे बचकर ना निकले। जी हाँ, गुड डे सर। क्या खबर लाया बंसी? उस्ताद, तुम्हें गिरफ्तार करवाने के पूरे 5,000 रुपए मिलेंगे। 5,000? अरे बहुत अच्छा है, अब तुझे रिक्शा नहीं खींचना पड़ेगा और रात अमीर हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ उस्ताद, पुलिस हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ी है। पड़ी रहे ना, बगैर गिरफ्तार कराए कोई गिरफ्तार होता है भला? पुलिस तो क्या, मेरे साथियों में से भी किसी को इस डेरे का नहीं पता। एक तू जानता है, एक राजा। बोल कौन गिरफ्तार कराएगा, बोल।
ये क्या मजाक है, छोड़। इतने दिनों बाद मिले हो, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। फिर आज मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। क्यों? मेरी खुशी। अपनी खुशी पर तुम किसी को पकड़ कर घर ले जाती है? तुम मुझे पहचानती नहीं इसीलिए ऐसा कह गए। कोई और ऐसा कहता मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, तो ये मेहरबानी मुझ पर क्यों? घर चलो, बता दूंगी। मुझे घर ले जाएगी तो मुसीबत में पड़ सकती है। परवाह नहीं। तू शायद जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। जानती हूँ। जानती है? तुम बादशाह हो ना, दरोगा जी ने कहा था। अब समझा, मुझे घर ले जाकर गिरफ्तार कराना चाहती है ना, इनाम लेना चाहती है ना। लानत है ऐसी बेईमानी पर। तुम और चाहे मुझे जो समझ लो, लेकिन बेईमान मत समझना। कौन है बे? रात के वक्त सोने भी नहीं देते, चले आते। कौन है बे? मेहमान। बदमाश चला जाए यहाँ से, वरना ऐसी मार खाएगा, याद रखेगा। कौन है काका, किससे बात कर रहे हो? अरे बदमाश घर में घुसा चला आ रहा है। शक्ल से पाजी नजर आता, तेरा काका नहीं हो सकता। क्यों? अरे देख, अबे देख लूंगा तुझे, बड़ा बदमाश बना फिरता है, तेरे बाप का घर है ये। रखना। हाँ उस्ताद। तू भी चला और जरा नजर रख। अच्छा उस्ताद। क्यों भाई जी, घर में बुला के बैठने को भी नहीं कहती हूँ? खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही बैठ जाता हूं। जगह तो बहुत अच्छी है। जी जुड़ा गया। अब बोल, मुझे किसकी बुलाया? जरूरत है इसलिए। तो बोल। इतनी भी क्या जल्दी, वक्त होने दो, आप ही समझ जाओगे। मेरे पास तेरी पहेलियां बूझने के लिए वक्त नहीं है, मुझे जाना है। एक बार जब आ गए हो तो यहाँ से जा नहीं सकोगे, यहीं रहना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या, यहीं रहना? तेरे हुक्म से? जानती है बादशाह किसी का हुक्म नहीं मानता। मैं जाता हूँ। जाओ, देखूं कैसे जाते हो। दरवाजा छोड़ दो भाई जी, मुझे जाने दो। अब मेरी जान ही लेकर यहाँ से जा सकोगे? बादशाह ने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया और आज भी नहीं लगाएगा। तू क्या चाहती है मुझसे? तुमसे कुछ नहीं। तो फिर? चाहती हूँ उसको जिसे एक रात के अंधेरे में भगवान ने भेजा था मेरी आबरू बचाने के लिए। क्यों, क्या करेगी उसे? उसे अपने आंचल में बांध करके रखूंगी। तेरा आंचल इतना मजबूत है कि उसे बांध सके? कोरे आंचल की मजबूती देखी नहीं तुमने, अब देखोगे। क्यों तुझे मरने का शौक हुआ है जमना? जानती नहीं कि आग को हाथ लगाएगी तो जल जाएगी। झुलस तो रही हूँ तुम्हारी आग में, अब जला डालो ना, रहा कर तू मुझे। जमना जाओ, अब मैं तुम्हारी राह नहीं रोकूंगी। तेरे मन में ये क्या आया है जमना? तुझे मुझसे क्या सुख मिलेगा? मेरी जिंदगी ही क्या है, दिन रात पुलिस से छिपा छिपा फिरता हूँ, आज यहाँ कल वहां, घर गृहस्थी मेरे लिए नहीं, इसीलिए मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। तो क्यों जानबूझकर मुसीबतों को बुलावा दे रही हूँ? इतने दुख तुझसे नहीं बर्दाश्त होंगे। मैं सब सह लूंगी। सहलेगी? कपूर, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला सर, यूं मैं शहर के तमाम जोहरियों से फिर मिला हूं और उन्हें आगाह कर दिया है कि अगर कोई आदमी भारी गहने बेचने आए तो हमें इतला कर दें, और एहतियातन अपने आदमी भी तैनात कर दिए। 2 महीने हो गए और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इधर आईजी साहब मुझे टेलीफोन पे टेलीफोन किए चले जा रहे हैं। इस बादशाह ने तो मेरी नींद हराम कर दी है। वही होंगे फारूकी स्पीकिंग। वही। यस सर। बादशाह को कुछ पता लगा? अभी तक पता नहीं लगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? Find him out at any cost. Jack,
जय राम जी की पांडे जी। जय राम जी की चाचा, पान खाओगे? हाँ, अच्छा। पांडे जी, तुम्हारी नजर में कोई कोठरी होटली है? बड़ी सख्त जरूरत है। अरे तुम्हारे पास तो कोठा था, कोठरी क्या होगी? अरे जमुना ने शादी जो कर ली है, अब हमरा वहाँ रहना ठीक नहीं। शादी कर ली? हाँ। किससे? पांडे जी, कहना नहीं किसी से, एक लंबू है बदमाश, बड़ा बदमाश। अच्छा, देखेंगे कोठरी तुम्हारे लिए। हाँ, जरा तू, हाँ, चूना जरा तेज लगा दिया ना। अच्छा, जय राम जी। जय राम जी। जय राम जी। बताओ ना। क्या बताऊं, बताने लायक बातें तो बड़े आदमियों की जिंदगी में होती हैं। अपना क्या है, माँ बाप की तो कोई याद ही नहीं। जब होश आया तो देखा कि भीख मांग रहा हूँ। दिन भर जो कुछ मांग कर लाता, एक कसाई जैसा आदमी आके शाम को सब कुछ ले जाया करता। बदले में दो रोटियां मिला करती थी, कभी कभी वो भी नहीं। मार पड़ती थी, बहुत बुरी तरह से मारा करता था। मैं सोचा करता था कि बड़ा होकर इस आदमी की बोटी बोटी काट डालूं। इसीलिए इस्माइल चचा से चाकू चलाना सीखा। और कुछ दिनों में मेरा हाथ ऐसा सट गया कि मजाल थी कि मैं चाकू फेंकूं और निशाना चूक जाए। फिर उसे मारा तुमने? उससे पहले ही वो मर गया, मैं आजाद हो गया। मगर मेरे सामने आके एक सवाल खड़ा हो गया कि भिखारी को कौन पास रखेगा, कौन काम देगा। लाचार होकर भटकने लग गया। एक बार पार्क में कुछ लोगों से मेरी मार पीट हो गई और मैंने अकेले ही 10-11 आदमी को मार बनाया। इस्माइल चाचा मुझे बादशाह कहने लगे और धीरे धीरे मेरा नाम यही पड़ गया। कौन? रत्ना, यह दरवाजा खोल दे। हाय, तेरा रूप रंग दिन पर दिन निखर रहा है हरी, देखना किसी की नजर ना लग जाए। नमक मिर्च उतार के रखा है, नजर में झोंक दूंगी। जा। उस्ताद, बड़ी मुश्किल हो गई है। जो लोग पहले अपना माल खरीदते थे ना, उनमें से कोई तैयार नहीं, सब डरते हैं। मैंने एक नया आसामी तैयार किया है, लेकिन ससुराल चाराने से ज्यादा भाव ही नहीं लगाता। कौन है वो? लाला बुलाकी दास। लाला बुलाकी नया आदमी है, पहले कभी धंधा नहीं किया। मैं कहता हूँ रत्ना, कुछ दिन ठहर जा, माल के दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन उस्ताद, हाथ इतना तंग है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। जुए की आदत छोड़ दे रत्ना, वरना सबको बर्बाद कर देगा। लाला बुलाकी दास नीचे नुक्कड़ पे खड़ा है। अच्छा चल। जयराम जी की भाया, जयराम जी की। राम राम। रत्ना से तुमने सब कुछ समझ लिया लाला? हाँ भैया, समझ लियो। मगर दाम तुमने बहुत कम लगाए हैं, मैं इतने कम में माल नहीं दूंगा। पर भैया, मैं इससे ज्यादा तो नहीं दे सकूं। देखो लाला, मैं अपनी आखिरी बात कह दूं? बोल भैया बोल। 30,000 से 1 करोड़ कम नहीं लूंगा, अब तुम सोच लो। पर भैया, मारे ताई भी तो कुछ गुंजाइश है। बोलो हाँ या ना। हाँ भैया, पर पहली माल तो बता। अपना तो ये कायदा है, इस हाथ दे और उस हाथ ले। यह भी ठीक है, मगर देखो, मैं तुम्हारे साथ पहली बार सौदा कर रहा हूँ, इसलिए याद रखना, मेरे साथ दगा की ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हारे खानदान का नाम लेवा छोड़ूंगा। मैं बेईमान को कभी माफ नहीं करता लाला। यहाँ नहीं सोच रहा चाहे भैया, यहाँ क्यों बोले? पर या तो बता, माल कब देवेगो? तुम्हें खबर मिल जाएगी। अच्छा, रकम लेकर रत्ना के साथ आ जाना। जरूर जरूर। लेकिन खबरदार, जाओ। जय राम जी। जय राम जी। आप तो बिला वजह घबरा रहे हैं सेठ जी। बादशाह की क्या मजाल के हमारे रहते हुए आपको दर्द पहुंचा सके? ऐसे तो जानो इंस्पेक्टर साहब, बादशाह इतनो खतरनाक आदमी है कि कोई की जान लेने में पलक भी नहीं झपावे है। सरकार, इसी बब्बर शेर से आरसी आख्या है कि मन ने तो देख कर ही डर लाग गए। सरकार, अगर उन्हें पत्तो लाग गो ना, तो मेरी तो के मेरे बाल बच्चा की भी खैर नहीं रहेगी। कवे तो कि मैं बेईमान को कभी माफ नहीं करता लाला। पुलिस हर तरह से आपकी हिफाजत करेगी सेठ जी, और एक बार वो गिरफ्तार हो गया तो फिर डर किस बात? और अगर न गिरफ्तार हो तो? इस बार वो हमारे चाल से बचकर नहीं जा सकता, उसे भनक तक नहीं हो सकती कि हम आपके पीछे।
देखो साहब, मैं बाल बच्चादार आदमी हूँ, कदे कुछ हो गया हो ना तो मैं मारे हो जाऊंगा। आप इत्मीनान रखिए सेठ जी, आपको कुछ नहीं होगा, पुलिस साय की तरह आपके साथ है, याद रखिए। अच्छा अच्छा, अब तो थे ही मारा माई बाप हो सरकार। जाए रैन जब घुंघरू छन के छुरी का।
अपनी जगह नहीं रहा गाड़ी मारता हूँ। खबरदार, वहीं ठहरो नहीं, गोली मार दूंगा। गंगा में तैर कर रहा हूँ, जल्दी से अपनी कपड़ा पहनने के लिए। मैं उस बेईमान की जान ले लूंगा। क्या रत्ना गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार? बुला की दास तक बाहर निकला, बेईमान निकला, पुलिस को लेकर आ गया था। मैं उसकी जान ले लूंगा। देख तो पुलिस, पुलिस आगे, पुलिस, पुलिस। हाँ। अब क्या? पुलिस क्या होगा, बोलो ना। तुम्हें जब तक जान में जाने मैं लड़ूंगा। पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, मैं तो पीछे चले जाओ, चल जाओ पीछे। नहीं नहीं दादा, भाग जाओ। कैसे? डाकू के पीछे एक जीना है पिछवाड़े के मकान का है। हाँ, एक तख्ती की दीवारें तोड़ कर निकाल। अच्छा। जाओ जाओ, मैं पुलिस को रोकती हूँ। साहब, वो बादशाह तो मन्ने जान से मार गए रहे हो साहब। मैं गरीब आदमी मर गए हो, मेरा बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा। पर आप तो पुलिस की हिफाजत में हैं, फिर आपके घर पे भी पुलिस का पहरा लगा हुआ है, मालूम नहीं आप क्यों डरते हैं। डरू क्यों को नहीं साहब, अब देखो बादशाह ने सजा करने के बदले ऐठे मन्ने ही खेत कर दियो। साहब कोतवाली में मन्ने और कठे दिन रहना पड़ती। साहब मेरो बंदोबस्त कर दो, मैं शहर ने छोड़कर कोई दूसरे शहर में चले जा सू। साहब कठे दूर चले जा सू, जेठे वो बादशाह नहीं आवे। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, पुलिस आपका इंतजाम कर सकती है और किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। बड़ी मेहरबानी साहब, यही तो हमारा माई बाप हो, बड़ी मेहरबानी। आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार, बादशाह को गिरफ्तार करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। आज का ताजा अखबार, बादशाह को गिरफ्तार करने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार, हमारे पड़ोसी मुल्क ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमारी पीठ पर छुरी भोंक दिया। 10,000 रुपए का इनाम, बादशाह को पकड़ेंगे। 6 महीने हो गए इसी तरह पकड़ते पकड़ते, पकड़ पाए? अरे बादशाह नाम का कोई आदमी ही नहीं है, मेरा नाम तो प्यारे लाल है, तुम लोग मुझे इसी नाम से जानते हो ना? बिल्कुल उस्ताद। बादशाह गायब। उस्ताद, आज सवेरे एक साला सवारी लेके जमुना के मोहल्ले में गया था उस्ताद। अच्छा, मुलाकात हुई? कहाँ उस्ताद, उसका घर तो अब तक चारों तरफ से खुफिया पुलिस ने घेर रखा है। और वो साला सामने वाला पनवाड़ी कह रहा था कि आजकल वो नाचने गाने भी बाहर नहीं जाती है। पांव में बड़ी सख्त चोट आई है उस्ताद। चोट आई है? कैसे? कैसे क्या उस्ताद, उस रात तुम तो सही सलामत निकल गए और तुमको पकड़ने के लिए पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो दरवाजा टूटकर उसके पैर पे गिर पड़ा। बंसी? हाँ उस्ताद। तू मुझे एक दफा उसके यहाँ ले चलेगा? क्या बात करते हो उस्ताद, पुलिस इस तरह तुम्हारे पीछे लगी हुई और तुम उससे मिलने के लिए बाहर निकलोगे? मैं तेरी रिक्शा में छिपके बैठा रहूंगा, तू मुझे बस्ती के बाहर बाहर ले चला। लड़की के लिए तुम्हारा दिल भी पिघल गया उस्ताद। नहीं बंसी, ये दिल पत्थर का है, यूं नहीं पिघलता। मगर जो लोग अपने लिए जान देते हैं उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। जैसे कि राजा, तू, जमुना, तुम लोग ना होते तो आज बादशाह जेल में चक्की पीस रहा होता। बोल, ले चलेगा ना?
मगर होशियार रहना उस्ताद। हाँ। रुको बंसी, रुको।
ढूंढ निकालूंगी। छोड़ दो मुझे। मधु जाने दो, मैं अपने मुन्ना को ले आऊंगी। छोड़ दो। मुन्ना वहाँ नहीं है। मधु तू भी कहाँ है? बताओ ना कहाँ है? मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। गंगा मैया ने उसे ले लिया। मधु गंगा मैया ने उसे ले लिया। नहीं, मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। मधु मैं डूब कर देखूंगी गंगा मैया ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। मैं ले लूंगी लेकिन तलाश करके देखूंगी। छोड़ दो मुझे मुन्ना। छोड़ दो, सुनो तो। सब उसकी लीला है। बड़ी मन्नतों के बाद बच्चा हुआ था। गंगा दशहरे पे उसके बाल उतराने आई थी, रात के तूफान में नाव उलट गई, बच्चा गंगा मैया ने ले लिया। चारों ने जलेबी देना। अरे वो एक दो आने जलेबी और वहां लाला जी। भैया दो आने का दूध दो। अभी देता हूँ। अरे जल्दी दो, बच्चा भूख के मारे बिलख रहा है, कल से भूखा है। पैसे दो। भैया जी ये जलेबी वापस ले लो, मैंने झूठी नहीं की, मुझे भी दूध दे दो। ला। उठ, अरे लड़के, उठ, दूध पी ले, उठ, दूध पी ले। दूध पी ले, पी ले। क्या हो गया इसको? बुखार हो? वाह, क्या मुसीबत है, क्या करूं? अरे बाएं तरफ रोक ले भाई। यहीं ठहर, यहाँ आता हूँ। यमुना कौन? सरदार, इतने दिनों बाद। हाँ, बहुत दिनों के। कई बार सोचा कि चोरी छिपे आ जाऊं, पर तेरे घर पर पुलिस की हर घड़ी निगाह थी, किसी तरह भी मौका न मिला। आज इस मूसलाधार बारिश में कहीं भी कोई नहीं है, इसलिए आ गया हूं। तो बहुत दुखी हुई है जमुना। तुम भी तो कितने थके हारे से दिखते हो। तेरा पैर कैसा है? ठीक ही है, अभी भी सीधा तो नहीं पड़ता, कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लगता है आज बरसों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। बैठो। नहीं, बैठने का वक्त नहीं, कहीं फिर पुलिस को कोई खबर न दे दे। देख ये बच्चा लाया हूँ, इसे अपने पास रख ले। किसका बच्चा है? क्या पता किसका है, मुझे गंगा किनारे मिल गया। गंगा किनारे मिल गए? हाँ, ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसे संभाल, बड़े जोर का बुखार है इसे। सरदार, पराया बच्चा मिल गया और तुम उसे उठा लाए? हाँ, क्यों? किसी की जान लेने में जिसका हाथ नहीं कांपता, बाजी बच्चे पर तरस खा गया। तुझे यकीन नहीं आता? मुझसे छल कपट करने की क्या जरूरत थी? ये क्या कह रही है जमुना? ठीक ही कह रही हूँ, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी और भी कोई औरत? नहीं जमुना। लगता है आज उसने बाप बेटे दोनों को घर से निकाल दिया है। क्यों? जमुना, ले जा अपने बेटे को, ले जा यहाँ से। तू पागल तो नहीं हो गई? मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, निकल जा यहाँ से। चले जाओ, मैं कहती हूँ, निकल जाओ। अच्छा,
राजा, राजा राजा राजा, अरे बहुत तकलीफ है। अच्छा मैं शिव डॉक्टर को बुला लाता हूँ। कौन है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बोल तो रहा हूँ, कौन है? दरवाजा खोलिए, मैं राजा का साथी हूँ। ओहो, राजा का साथी, महाराजा कौन आ गया? रात नहीं, बिरात नहीं, चले आते हैं सब मरने के लिए। दवा खाना है, ये खाला जी का घर है। आए 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 आए। डॉक्टर साहब, क्या है? आपको जरा मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा इस वक्त? जी। आधी रात को जाने की फीस मैं क्या लेता हूँ मालूम है? 20 रुपए और आने जाने का रिक्शा भाड़ा दे सकेगा? जो भी होगा मैं दूंगा। अच्छा तो ठहर, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। डाकू? क्या कहा? डाकू? मैं डाकू हूँ? मैं नहीं जाता, मैं नहीं। नहीं डॉक्टर, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ नहीं कहा, बेवकूफ बनाता है मुझे। मैं डाकू हूँ और तुम सब लोग दुनिया भर के साधु महात्मा हो। बताओ कौन डाकू नहीं है? तस्तु मदम, सब डाकू है। सब एक दूसरे का गला काटते हैं और कहता है मैं डाकू हूँ। गेट आउट, गेट आउट, मैं गेट आउट, गेट आउट। आप बेकार गुस्से हो रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उससे कह रहा राजा से। 40 रुपीज, 40 रुपीज। डाकू हूं ना, डकैती ही करूंगा। देगा? देगा 40 रुपए? देगा? अच्छा, मैं दूंगा। अच्छा आप चलिए। तो ठहर, मैं अभी आता हूं। कौन बीमार है रे? राजा, डॉक्टर साहब, राजा की तबीयत बहुत खराब है, आज तो बोल भी नहीं पा रहा। राजा? कौन राजा? वो दवे का रोगी, वो बकरी बनने वाला मदारी ना? जी हाँ। तेरी की, तो पहले क्यों नहीं बताया? अब तो जाना ही बेकार है, उसका खेल खत्म होने वाला है। आप फिर भी एक बार चल के देख लीजिए ना, शायद आपके देखने से बच जाए। अच्छा तो चल। राजा, राजा, राजा अब नहीं बोलेगा, वो क्या? डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह देखिए डॉक्टर साहब। अब क्या देखूं रे, चल लेटा देख। मुंह ढक दे, जो गया सो तर गया। इस गरीबी से, जानवरों जैसी जिंदगी से इस जन्म तो रिहा हो गया। कितने बड़े दिल का इंसान था, मुझे लाख मुसीबतों से बचाया इसने। अब अफसोस करने से क्या फायदा, जा राज सिंहासन तैयार कर, निकाल सवारी राजा की। घाट पर डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, चल मैं लिख देता हूं। अरे ये बच्चा कौन है? ये मेरा बच्चा है डॉक्टर साहब। तेरा? तेरा है ये बच्चा? जी हाँ डॉक्टर। तेरी ये डाकू जैसी शक्ल और ये फूल जैसा चेहरा जरूर कहीं से उठा ले आया होगा। नहीं डॉक्टर साहब, बीवी गांव में गुजर गई, कोई था नहीं रखने वाला, मैं इसलिए यहाँ ले आया। इसे कल से बुखार है डॉक्टर साहब, इसे देखिए ना। अच्छा अच्छा, जरूर बारिश में भीगा होगा। खैर घबराने की कोई बात नहीं, जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, अगर निमोनिया हो गया तो बड़ी देखभाल की जरूरत है। अरे उड़ा के रात, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। अच्छा साहब, ये बैग आपका रख आपकी फीस रख। मैं डाकू नहीं हूँ, चल। Thank you.
मधु मधु रो मत मधु, अब रोने से क्या होगा, अब तुम कितना भी रोगी ना मुन्ना वापस नहीं आ जाएगा। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं मुन्ना के बिना नहीं जी सकती, तुम ये बताओ उसके बिना मैं किसका मुंह देखकर जीऊंगी, किसके लिए जीऊंगी। मुन्ना तू तो मुझे छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकता था, मेरे सिवा किसी को पहचानता भी नहीं था, फिर तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया मुन्ना, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। विधाता के आगे किसकी चलती है मधु, जिसने दिया था उसी ने छीन लिया। नहीं नहीं मुन्ना को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो यही कहीं है, यही कहीं छुपा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे रुला रहा है, तू मुझे कहीं से भी ढूंढ कर रहा हो, मेरा मुन्ना को ढूंढ कर रहा। चुप कर जा, चुप कर जा रे, चुप कर जा, चुप कर जा। ओ जंबू, ओ जैकी, अरे इसकी चिड़िया ला के दो, तुम्हें चिड़िया ला के देंगे, अरे चुप कर जा ना, अरे चुप कर जा रे, चुप कर जा, कितना पाजी है चुप भी नहीं करता बाबा, चुप कर जा, चुप कर जा, अरे चुप कर जा, चुप कर जा रे, चुप कर जा। अरे 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 रुलाता क्यों है, रुलाता क्यों है, पता नहीं डॉक्टर साहब क्यों रो रहा है, अभी खड़ा हो रहा था गिर पड़ा है। गिर पड़ा, देखो तो उठा। अरे वाह 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 वाह, क्या अकल है तेरी, दोनों पांव एक ही पांचे में डाल रखे हैं, गिरेगा नहीं तो क्या दौड़ेगा, उतार ठीक से पहना, ये पांव उठा। शाबाश, हाँ बेटा, हाँ अब लेटा दे, लेटा दे। बुखार तो बढ़ गया है। बढ़ गया, हाँ इस वक्त 3 से कुछ ज्यादा ही होगा। तब क्या होगा डॉक्टर साहब? अरे होगा क्या, दवा देने से पहले पहले ऐसा बढ़ता ही है। आपने ऐसी दवा क्यों दी? चुप कर, तुझे क्या मालूम है, जा माथे पर पानी की पट्टी रख। पट्टी? ये भी नहीं जानता है, खाली डकैते और गुंडा ही जानता है, जा फटा पुराना कपड़ा ले आ और थोड़ा सा पानी। बाप बनना आसान समझ रखा है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, बड़े जतन और धीरज की जरूरत होती है, ये नहीं कि बच्चे पैदा हो गए तो बाप बन गए। अरे अरे ये क्या, बाल्टी भर पानी में मुझे नहलाएगा क्या, और ये थान का थान कपड़ा, ठहर मैं दिखाता हूं। इस तरह माथे पर रख और थोड़ा थोड़ा पानी देकर भिगोते रहना। लानत है, संसार में इतने लोग रहते तुझ जैसे तो भगवान औलाद क्यों देता है, यही मेरी समझ में नहीं आता। भई उठ जा
तू अच्छा हो गया बच्चू, अच्छा हो गया। कितना प्यारा है तू, राजा बेटा है ना, कितनी जल्दी अच्छा हो गया है। माँ आ जाएगी, माँ आ जाएगी, मैं तेरी माँ को लाऊंगा। अच्छा इस तरह कैसे काम चलेगा चलना, कुछ खा ले बेटे, कुछ पी ले। तू से पकड़ना काका, उस दगाबाज को एक बार मेरे सामने ले आ। पुलिस उसे ढूंढ ढूंढ कर हैरान है, मेरी क्या बिसात है, बिना उसके मर्जी कोई उसे नहीं पकड़ सकता। मैं पकड़ूंगी, मैं उसे ढूंढूंगी, मेरी जीत की जलन तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं उसे बदला ना ले लूं। आ जा रही, उसी को ढूंढने। मेरा राजा है, मेरा मुन्ना है, वाह 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 बेटा, हाँ अब बैठ। अब बोल तो मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर साहब हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, वो कौन है? है वो कौन है बोल तो? वो उधर कौन है? वो तेरा बापू है। हाँ शाबाश बेटा शाबाश, तो खूब बोल लेता है। तेरा नाम क्या है? है नाम क्या है बोल। मैं इसे बच्चू कह के बुलाता हूँ डॉक्टर साहब। बच्चू? हाँ। अरे वाह तेरा नाम बच्चू है, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। एले क्यों रे, तेरे भेजे में कुछ अक्ल है क्या, इस तरह बच्चे को कोई अकेला छोड़कर जाता है? कुत्ता बंदर बकरी इन सब के बीच बच्चा घबराकर अकेला रोता रोता मर जाएगा एक दिन। खबरदार आइंदा कभी इस तरह किया तो पछताएगा, मेरी तरह जिंदगी भर हाथ मलेगा, कहीं अनजाने में ढिबरी खींचकर बिस्तर पर गिरा देगा, जलकर खाक हो जाएगा, बस सब खत्म। कभी बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाना। क्यों रे? अरे तेरा इतना सुंदर बच्चा, इसे भी तू अपने जैसे डाकू बनाएगा क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसे लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि चार आदमियों में बैठ सके, इसे जज बनाऊंगा, बैरिस्टर बनाऊंगा। हाँ जज बनाएगा बैरिस्टर बनाएगा, लेकिन मेरी फीस नहीं देगा। क्यों रे, मैंने मांगी नहीं तो मेरी फीस नहीं देगा? नहीं डॉक्टर साहब, मैं सब चुका दूंगा। याद रख, डॉक्टर की फीस मारेगा तो खुद मरेगा। बच्चू तू बड़ा होके जज बनेगा ना, बहुत बड़ा जज है ना, तू एक मांग दे मुझे। दाद क्या है? वो साला घोसी कहता उधार दूध ले दूंगा, खड़ा है बाहर, कह दे दो चार दिन ठहर जाए, मुझे बाहर निकलने का मौका मिले मैं सारे पैसे दे दूंगा। मैंने कहा उस्ताद, तुम कहते हो तो फिर कह के देखता हूँ, मगर वो साला आकड़ू साला सुनता ही नहीं है। क्या सुनता ना? क्या कहा? क्या सुनता ना? साला गाली सीख रहा है, खबरदार ऐसा कभी नहीं बोलना। उस्ताद वो साला कहता है कि क्या बात है उस्ताद, मैं तो ये कह रहा था कि वो घोसी साला कहता है कि गाली देता है। गाली नहीं देता उस्ताद, वो साला घोसी। गाली मत दे, बच्चू सीखता है, वो छोटा बच्चा है, जो सुनेगा वही बोलेगा, उसके सामने संभल के बात किया कर, समझा? हाँ समझा उस्ताद, मगर वो साला नहीं नहीं, वो कहता है कि सारा पैसा इतवार के पहले दे देना होगा। अच्छा कह दे, मैं दे दूंगा। हाँ, तेरे की बार बार मुंह से साला ही निकल जाता है। चलो मुन्ना चलो सो जाओ। नहीं मेरे बाबू जगाना दो, खिलौने लाने दो, जब सोऊंगा। खिलौने लाएंगे तो सुबह खेलना, चलो सो जाओ। नहीं मैं यहीं खड़ा रहूंगा, खिलौने देखूंगा।
मेरे बच्चे, अब मैं नहीं जाऊंगा बेटा, मैं चुप कर मिलार, मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा मिलार, अब मैं जाऊंगा, चुप कर, शाबाश, शाबाश। पैसे लाओ। हैं? 2 रुपए? इंजेक्शन ही तो 5 रुपए का है, ऊपर से गोलियां, मिक्सचर। मैं कहता हूं तुम लोगों ने शिबू डॉक्टर को धर्मा दे कट तो समझाया क्या? ये पिछले पैसे हैं। अरे अगले पिछले मैं कुछ नहीं जानता हूं, सब पैसे एक साथ चाहिए। मेरे बाप के जमींदारी नहीं चलती कि मुफ्त दवा बांटू। कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। अरे कल कल करते तो उम्र बीत गए। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, बंद कर दूंगा, कल से दवा खाना ही बंद कर दूंगा। क्या है? दवाई की जरूरत नहीं है, बिल का मुरब्बा खिलाओ। जाओ अभी तक खड़े हो। Get out! कौन है? तू डाकू है ना? जी, आपने ठीक ही पहचाना था, मैं सचमुच डाकू हूं। डॉक्टर साहब, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मैं दिन के उजाले में कहीं आ जा नहीं सकता, बड़ी मुसीबत में हूं डॉक्टर साहब। तो मैं क्या कर सकता हूं? आप कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए ना। बकबक मत कर, सही तरह बोल क्या चाहता है? मैं बहुत तकलीफ में हूँ डॉक्टर साहब, मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ, मगर मैंने तुझे रोक रखा है क्या? दुनिया पड़ी है चोरी का, डकैती का, सब मैंने छोड़ दिया डॉक्टर साहब, भूख को मर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी के लिए निकलता हूँ तो यही डर लगा रहता है कि पुलिस ने पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो चक्की पीसना, पीस लेता, मगर बच्चू का क्या होगा? उसी के लिए तो डॉक्टर साहब, मेरी गाल पर ये निशान पुलिस वाले जानते हैं, दूसरे गाल पर ऐसा निशान छुरी से बना सकता हूं, मगर फिर भी पुलिस वालों ने पहचान लिया तो डॉक्टर साहब एक ही रास्ता है, अगर आप मेरी मदद करें तो। क्या? चाकू से मेरी आंख निकाल दीजिएगा। व्हाट? आंख निकाल दूं? पाजी बदमाश, अरे शैतान, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर कसाई नहीं। एक जीते जाते आदमी की आंख निकालने के लिए मुझसे कहता है, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, आई से जी जाता है इन सबको जहर दे के मार दूं, शैतान। पापा मुझे बहुत भूख लगी, खाना दो ना। पापा मुझे बहुत भूख लगी, खाना दो ना। लाता हूं बच्चू। तो एक पैसा भी नहीं है। लाता हूँ बच्चू, लाता हूँ बेटा। नहीं, मैं तेरी अमानत नहीं बेचूंगा, नहीं। मैं लाता हूँ बेटा, बेटा अभी लाता हूँ जाके। मेरा अच्छा बेटा, मेरा बड़ा प्यारा बेटा है बच्चू, मैं अभी लाता हूँ। अच्छा तू बैठ। सलाम उस्ताद। बंसी। क्या बात है उस्ताद? बच्चू अकेला है, उसका ख्याल रखना। भाई साहब, भाई साहब, कोई काम मिल सकता है? यहाँ कोई काम नहीं। मुझे जो भी मिले मैं कर लूंगा। यहाँ कोई काम नहीं, चला चला अपना काम करो यार। चलिए सही है। कोई काम मिल सकता है मुझे? नहीं। अरे ये किसका बच्चा हो रहा है? बच्चा तू क्यों रो रहा है?
देते हैं फिर देखते भी नहीं। ये ठाकुर साहब गाड़ी है? जी हाँ। सामान रख दे यहाँ। ड्राइवर जरा सामान रख देना भाई। पैसे लाओ। देता हूँ। छोटे नोट कहाँ रख दिए मैंने? किसने दिया? कौन? किसने दिया? तूने भीख मांगी? भीख मांगी? बोल। हाँ तो बच्चे की जान ले लोगे क्या उसकी तरह से भूल के लिए? मारते ही चले जा रहे हैं। नहीं मुन्ना बेटा, नहीं रो तुम। बंसी, मैं बादशाह, मैं आज मजदूरी करके इसके लिए खाना लाया हूँ और ये भीख मांगने गया था। मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि ये गलत रास्ते चले। हाँ तो मत जाने देना गलत रास्ते पर। बच्चा है उसको धीरे से समझा देना चाहिए। मारते चले जा रहे हैं, किसी दिन लग जाएगा गुस्से में इधर उधर तो फिर रोते रहना सर पे हाथ रख के। नहीं मुन्ना, नहीं बेटा, बापू ने तुमको मारा ना बेटा, हम बापू को मारेंगे बेटा। हाँ नहीं रोते बेटा, शाम को आज रिक्शा पर घूमने चलेंगे ना। चुप हो जाओ मेरा मुन्ना, ये ले बेटा, खा ले बेटा। आइंदा से कभी बच्चों को मारना नहीं, ये ठीक नहीं लगता है। चुप हो जा मेरे राह, चुप हो जा। किसी से भीख मत मांगना बेटा, किसी से भीख मत मांगना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना बेटा, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। देखो ना तुम्हारी मधु अपने पप्पू को कितना चाहने लगी। तो यही मैं सोच रहा था कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना तो दूर, हम उनको अच्छी तरह खिला पिला भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी हालत में पप्पू को अगर मधु अपने पास रख ले तो तुम्हारा क्या ख्याल है? कहते तो ठीक, पप्पू यहाँ रहेगा तो आदमी बन जाएगा। हाँ वो भी आदमी बन जाएगा और हम लोगों को भी आराम हो जाएगा, समझे? देख बेटे ये गुड़िया ज्यादा अच्छी है, वो बहुत गंदी थी। भाई एक बात कहने आया था तुमसे। कहीं? तुम तो जानती हो मेरी नौकरी कुछ ऐसी है कि छुट्टी ज्यादा मिल नहीं सकती, काफी दिन हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि हमें जाना चाहिए। आप लोग चले जाएंगे? हाँ फिलहाल तो जाना ही होगा, कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे। वैसे मैंने सोचा है कि पप्पू को तुम्हारे पास छोड़ जाएंगे। पप्पू को मेरे पास छोड़ जाएंगे? हाँ देखो ना कितना हिलमिल गया है तुम्हारे साथ, दिन भर तो मौसी मौसी लगाए रहता है, अब ये तुम्हें छोड़कर भला हमारे साथ जाएगा? इसीलिए मधु मैंने तो सोचा है कि गोरखपुर से नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे? हाँ। और सरला भी तो कहती है कि तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता और पप्पू को तुम्हें दे देने में उसे भी कोई इतराज नहीं। सच? आप लोग पप्पू को मुझे दे देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे तो और भी तीन हैं, ये एक तुम्हारा सही। पप्पू बेटे तू मेरे पास रहेगा रे? हाँ। आसीन है माँ का कर बेटा। ये माँ नहीं है, ये मौसी है। मौसी भी माँ होती है बेटा। साइकिल लेके दोगी? हाँ बेटे बहुत बड़ी सी साइकिल लेके दूंगी। एक बार माँ बोल। माँ। फिर बोल। माँ।
ये है बेटा का साइकिल और ये है घंटी। बजाना इसे। शाबाश, चलो 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 चलो। हाँ तेज जरा तेज तेज। हाँ घंटे बजाओ घंटे बजाओ बेल 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 बजाओ। शाबाश। रिजल्ट मिला? ये मास्टर लोग बड़े बदमाश है माँ। छी छी छी, गुरुजन के लिए ऐसे शब्द निकालता है? हाँ, पकड़ पकड़ के मारने को जी चाहता है। जानबूझ के मुझे फेल कर दिया। मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तू अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेगा तभी बड़ा साहब बनेगा ना। है अच्छा
ऐसे कर बेटा, ये अब रखती किताबें, पहले खाना खा ले, बाद में पढ़ना। जैकी, जंबू, बुद्धू, चलो खाना खा ले। आ बेटा खाना खा ले। ले जैकी, ले बुद्धू, ले बच्चे, खा बच्चे, खा। तुम्हारे लिए आया ना बाबू? मेरे पास बहुत है बेटा, तू खा। और ले पेट भर के खा। तू खा ले, आराम से खा ले। वापिस आया। अच्छा। उसकी माँ ने कहा, रामू बेटा जल्दी से हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले। हाँ। अच्छा बापू, क्या लेके? मेरी माँ कैसी थी? तेरी माँ? तेरी माँ बहुत अच्छी थी, तुझे बहुत प्यार करती थी। बच्चों, तेरी माँ बड़ी ही सुंदर थी। अच्छा। हाँ। तो बेटे ये छोड़, तू पढ़ा बेटे। अब पढ़ाई क्या करूँ बापू, कल से तो स्कूल की छुट्टी है। कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बेटे, तू मेरे साथ कहाँ भटकता फिरेगा? तो फिर मैं घर में, मैं भी तुम्हारे साथ खेल दिखाऊंगा। तू खेल दिखाएगा? क्यों नहीं, जंबो जाती मेरी बात खूब मानते हैं, मैं जो कहता हूँ वो करते हैं। नहीं बेटा, तू खेल वेल की बात मत सोच, तू अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। तू लिखेगा पढ़ेगा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तभी तो तेरी दुनिया में इज्जत होगी। मदारी की कोई इज्जत होती है बेटे? मगर बापू, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि कोई काम छोटा नहीं होता है। बोलो ना, मुझे ले चलोगे ना? बोलो ना। हाँ हाँ, अच्छा तू चलना। बच्चू, मुझे तू अपनी वो कविता तो सुना, तुम बादल बन कर छाए हैं। ताप शाप से सूखी धरती का कण कण जब रहता, प्यासे जीवन को जब सांसों पर विश्वास न रहता, तब अपनी करुणा की अमृत धार बहाते आए, तुम बादल बनकर छाए। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, शाबाश जी तेरो। जब तक ये संसार न चाहे, जब तक ये संसार, जब तक ये संसार न चाहे, झूम झूम कर नाचे जा। धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन ता भैया। धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन वा भैया। जब तक ये संसार न चाहे, झूम झूम कर नाचे जा। धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन ता भैया। धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन वा भैया। अरे वाह मेरे बांके, नाचो इसी लटक से, लचकाओ रे कमरिया उधर और मटक के। जग तुझको हंसे तो चल सर को झटक के, जरा और मजे में कर ठुमक ठुमक के। सर पर टोपी लाल सजाए, सर पर टोपी लाल, सर पर टोपी लाल सजाए, मूछ तान कर नाचे जा। धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन ता थैया। धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन, धागिना धिनक तिन वा भैया। देख रुके ना चाहे बहे पसीना, वो तेरी राह तक है कहीं कोई हसीना। सपनों में बसर हो चाहे कई महीना, शिकवा मत करियो प्यार यही है जीना। जब तक पग बेताल न जाए, जब तक पग बेताल,
जब तक पग बेताल न जाए यूं ही उम्र भर नाचे जा। दागी न दिनक तिन दागी न दिनक दिन दागी न दिनक तिन भैया दागी न दिनक तिन दागी न दिनक दिन दागी न दिनक तिन भैया। ए छोकरा हां साहब जाए आज खाने को कुरदा कलेजा मटन बिरयानी चिकन बिरयानी अरे को भाजी भाजी में है हां क्या है आलू मटर है भिंडी है ए लड़के दो रोटियां लाओ और पानी भी ला रोटी का रोटी ला खा ले बेटा एक दाल और ये अब तू लो तू खा ले ना सारे खा ले उस्ताद क्या बात है पहचाना नहीं नहीं तो वाह उस्ताद कौन उस्ताद आड़ा नहीं तुम बादशाह नहीं हो क्या बादशाह कौन बादशाह मेरा नाम तो प्यारे लाल है तुम्हें शायद किसी और का धोखा हो रहा है धोखा मुझे नहीं हो रहा उस्ताद शायद तुम इस धोखे में थे कि रत्ना कभी जेल से वापस ही नहीं आएगा क्यों क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आता बच्चों तुमने खाना खा लिया चल एक रुपया चाय ना यार गुरु रत्ना के आंख कान इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकते तू खाना खा मैं देखता हूं है आधी तूफान हम औलादी इंसान हम भारत की संतान हम नन्हे हैं तो क्या हुआ बच्चे हैं तो क्या हुआ छोटे हैं तो क्या हुआ तू बैठ मैं देखता हूँ रत्ना तुमने भाग पहचान तो लिया दोपहर में अच्छा स्वागत किया तुमने लेकिन मैं कहाँ छोड़ने वाला था मैं तो देखते ही पहचान गया था कि बादशाह का बात बोल तुझे क्या चाहिए अंदर चलो अभी बताता हूँ वो है तू बैठ पढ़ मैं आता हूँ बाबे साहब बोल बोलूं क्या उस्ताद जब से जेल से आया हूँ ना खाली हाथ हूँ तुम तो भले आदमी बनी गए उस्ताद मेरा हिस्सा मुझे दे दो मैं भी भला आदमी बन जाऊं हिस्सा क्यों आसमान से गिर पड़े क्या हिस्सा किस चीज का दूं माल मिला ही कहां था वाह उस्ताद तो माल मिला ही नहीं कैसे मिलता बुलाकी दास माल निकाल ही रहा था कि पुलिस आ गई मैं किसी तरह जान बचा के भाग निकला और गहनों की पोटली वहीं छूट गई ये सब जानते हैं अगर माल मिला होता तो इस तरह मदारी का खेल दिखाता फिरता जिसमें 2 जून खाने को नहीं मिलता तुम और सबको झांसा दे सकते हो उस्ताद लेकिन रत्ना को नहीं तुम समझते हो कि मैं विश्वास कर लूंगा कि गहनों की पोटली तुमने वहां छोड़ दी और चारा ही क्या था रत्ना ने कच्ची गोलियां नहीं खेली उस्ताद जिसके लिए सारी जिंदगी जेल में खाक की उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा जेल हुई तुझे अपनी गलती से बुलाकी दास को कौन बुला के लाया था मैंने तुझे मना किया था ये सब छोड़ो मैं उपदेश सुनने नहीं आया हूँ सीधी तरह से बोलो रत्ना हिस्सा देते हो या नहीं रत्ना गर्मी मत दिखा शराफत से बैठ तुझे जो सबूत चाहिए सबूत नहीं चाहिए उस्ताद मुझे हिस्सा चाहिए अपनी शराफत अपने पास रखो मैं बदमाशी वाला मैं ये रकम वसूल करके रहूंगा रत्ना आंखें मत दिखा उस्ताद मुझे हिस्सा चाहिए रत्ना हिस्सा फिर आया तो जान ले लूंगा उस्ताद
मीना, बेईमान, क्या हुआ बापू? पानी ना, जल्दी से बच्चू। लो, बताओ ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है। कहाँ? बापू, तू फिक्र ना कर, जा सो जा बत्ती बुझा के। बेटा आज नहीं जाऊंगा। लेकिन आज घर में तो कुछ भी नहीं है, कल किराया देने में सब कैसे चले गए? चले गए तो फिर बाबू, ऐसा करो तुम आज आराम करो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं, तुझे नहीं जाना बेटा। तो फिर आज खाएंगे क्या? नहीं, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं बाबू, तुम आराम करो, मेरी तबीयत खराब है, मैं ही आसपास खेल दिखा के आ जाऊंगा। जाऊं बापू। अच्छा, मगर दूर नहीं जाना बेटा, जल्दी आ जाना, देर नहीं करना। हाँ बापू, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जाऊंगू जाती। जाओ
इतनी उम्र में बिना माँ के हो गए? बहुत दिन हो गए माँ जी, अभी तो उनकी कुछ याद भी नहीं। और कौन है तुम्हारा? बापू हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेले खेल दिखाने निकला हूँ। अच्छा माँ जी, प्यास लगी है, जरा पानी पिलवाओगी? हाँ आओ मेरे साथ। धूप में घूमते घूमते चेहरा कैसा कुमला गया है। मुझे सिर्फ पानी चाहिए। खा लो ना बस। लो ग्लास में पियो ना। नहीं आप डाल दीजिए। मेरे पास रेजगारी नहीं है। किस लिए? खेल दिखाने के आटने लेता हूँ मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इसे अपने पास रखना। अच्छा तो फिर मैं बापू के साथ खेल दिखाने दोबारा आ जाऊंगा। जरूर आना, बोलना नहीं। अच्छा माँ जी, जीते रहो। सलाम भैया। सलाम। तू रत्ना है ना? जी हजूर। अबे पुराना धंधा छोड़ा है आप भी? जी नहीं हजूर, 7 साल जेल में रहकर मुझे अच्छा सबक मिल गया है। अच्छा, एक बात पूछने आया था हजूर। क्या? बादशाह को गिरफ्तार कराने के लिए जो 10,000 का इनाम था ना, वो अब भी है क्या? क्यों, तुझे पता है उसका? पता है हजूर। पक्का पता है ना? बिल्कुल पक्का हजूर, लेकिन इनाम? हाँ अभी मिल सकता है। मिल सकता है हजूर, तो चलिए मेरे साथ। चलिए अभी चलिए, मैं अभी उसको गिरफ्तार करवा सकता हूँ हजूर। चलिए मेरे साथ, आइए। पता नहीं कहाँ चला गया, मना करता रहा, नहीं मानो, नहीं सुनी। बंसी बंसी सुन। क्या बात है सर? बच्चू सवेरे का घर से निकला हुआ, अभी तक नहीं आया। कहाँ गया सर? खेल दिखाने गया है, मैंने मना किया, नहीं माना। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है सर? बच्चू अपना होशियार लड़का है, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बंसी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उसे जाके ढूंढ के ला। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो उस्ताद, मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। पता नहीं किधर चला गया, नहीं माना। बच्चों बच्चों बच्चों, बच्चों था, बड़ी देर कर दी तूने। देर का हुई बापू? अभी तो शाम भी नहीं हुई। ना सही, मगर मुझे तो तेरे बिना अंधेरा ही अंधेरा दिखता है बेटा। तू मुझे छोड़ के कहीं मत जाया कर। बोल, अब तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा ना? तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा बापू? हाँ, तू मेरे पास ही रह कर बेटा। अच्छा चल, अब घर चले। उस्ताद गजब हो गया, पुलिस। पुलिस? हाँ उस्ताद, तुम्हारे घर में रत्ना लेके आया तुमको पकड़वाने के लिए। रत्ना? वो शैतान। बंसी, अब क्या होगा? उस्ताद ऐसा करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। उस्ताद बापू। बच्चू तुम घर जा, मैं जाता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बापू, कहाँ जाओगे? मैं कहीं भी जाऊंगा बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं तू जा, वो लोग तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तू शिमनी तो उसकी मेरे साथ है, और फिर बंसी है, तुझे देखेगा। तू जा। मैं अकेले नहीं रह सकता बाबू, मुझे भी साथ ले चलो। मेरे लाल, मेरे बेटे, तू मेरी बात मान जा, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। तू जा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। बंसी तू इसका ख्याल रखना, और देखना उसके सामने नहीं जाना, नहीं तो तुझे भी फंसा देगा। तुम फिक्र मत करो उस्ताद, तुम निकल जाओ यहाँ से। बाबू मेरे लाल, तू जा और देखना, मेरे बारे में पूछे ना तो कहना तुझे कुछ मालूम नहीं। अच्छा चलता हूँ।
कोई आ रहा है? अजीत आ रहा है कोई? अजू ये उसका बेटा है, बेटा आ गया है, बाप आता ही होगा। बैठ जाओ खामोशी से। हजूर ऐसा लगता है उसे भनक पड़ गई है, बाहर से ही रहु चक्कर हो गया, बहुत चालाक है ना, आप इससे पूछे हजूर इससे। क्यों भाई तेरा बाप किधर है? पता नहीं। कब तक आएगा? मुझे पता कर नहीं गए। ये ऐसे नहीं बताएगा हजूर। मारना नहीं। जी भाई बाप। खाम खाम में दौड़ाया। ये बात नहीं हजूर, नामालूम कैसे निकल गया वो आज, लेकिन आएगा जरूर, उसका बेटा यहाँ है ना, उसको मिलने जरूर आएगा, मैं आपको खबर दूंगा हजूर। खबर दूंगा का बच्चा, चलो जी। जा रहा था कि पप्पू भैया की जेब से ये मिला। सिगरेट, माचिस, पप्पू, पप्पू, छी छी छी, क्या है माँ? ये क्या है? ये सब क्या है? इसी उम्र से तुम सिगरेट पीते हो? नहीं माँ, ये मैं नहीं पीता, मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, दोस्तों के लिए ये सब तुम अपनी जेब में रखते हो, मुझसे झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, कोई बात नहीं, उन्हें कोर्ट से वापस आने दो, वही तुम्हारा फैसला करेंगे। एक तो पढ़ते लिखते नहीं, एक एक दर्जे में तीन तीन साल फेल होते हो, ऊपर सब ये सब, ऊपर से ये सब गुण सीख रहे हो। छी 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 छी। क्यों बे सुवर, माँ से मेरी शिकायत करता है? माँ मार के चमड़ी उधर दूंगा। बहू जी, बहू जी। क्या हुआ भिकू? पप्पू भैया ने लात मारी, मैंने आपसे उनकी शिकायत की थी ना, इसीलिए। मालूम नहीं है। बच्चू बापू तुम आ गए। बेटा दरवाजा बंद कर दे। इतने दिन तक कहाँ थे तुम बापू? तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुम चले गए,
मैं बहुत परेशान था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब घर में रहोगे ना? तुम्हारे बिना अकेले रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है बापू। मैं भी तुम्हारे बगैर बेटा अकेला नहीं रह सकता, मगर ये घर दुश्मन ने देख लिया है। मैंने एक और दूसरी जगह ठीक की है, तो बंसी के साथ आ जाना, फिर हम एक साथ दोनों रहेंगे। अच्छा, बस वक्त थोड़ा है, मैं जाता हूँ, तो बंसी के साथ आ जाना। बादल रोया नैना रोए, काजल रोया वो ना मिला। बादल रोया नैना रोए, काजल रोया वो ना मिला। तन का उजाला रे लटोकी, तन का उजाला रे लटोकी, सब कुछ खोया वो ना मिला। बादल रोया नैना रोए, काजल रोया वो ना मिला। बादल रोया नैना। उसके नगर में मैंने बिछा दी रस्ते रस्ते प्यार की बाहें। सागर सागर रोज किसी अरमां को डुबोया वो ना मिला। बादल रोया नैना रोए, काजल रोया वो ना मिला। बादल रोया नैना रोए। पहचाना नहीं? मैं रत्ना हूं। कौन रत्ना? बादशाह का शागिर्द। बादशाह कहाँ है वो? कहाँ है वो? तुझे मालूम नहीं? 10 साल से उसे ढूंढती फिर रही हूँ। मिल जाती इसी छुरे से उसकी छलनी कर दूँ। कहाँ है वो बेईमान? मैं भी उसी की तलाश में हूँ। मुझे अपना हिस्सा वसूल करना है उससे। उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे भी उसने धोखा दिया। अच्छा, जानता है क्यों? मैं उसे औलाद ना दे सकी, इसलिए
वो मुझे छोड़कर चला गया, मुझे बर्बाद कर गया। चल मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, आ मेरे साथ। हाँ छोड़ रखना, ये हाथ पकड़ने का हक मेरे सिर्फ एक ही को दिया था, उसी बेईमान को। याद रखना मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। हाँ आ मेरे साथ, चल चल। बापू। अच्छू बेटा आ गया तू, बंसी ये सामान अंदर आते भाई। हाँ उसका चलो मैं आता। कितनी देर से दरवाजे पे खड़ा खड़ा तेरी राह देख रहा था, तेरे बिना कितना परेशान रहता था मैं। बच्चू तुझे तो भूख लग रही होगी बेटा, मैंने तेरे लिए खाना मंगवा के रखा हुआ है, देता हूँ। ले ले खा ले। तुम नहीं खाओगे बापू, तुम भी खा लो। नहीं बेटा मेरी तबीयत कुछ भारी सी है, थोड़ा थोड़ा बुखार आया, तू खा। तुम्हें बुखार है बापू? बस तू आ गया है ना, अब नहीं आएगा, मेरी तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। उस्ताद ये सब सामान मैंने रख दिया है, अब तुम ठीक से जचा लेना। मैं जरा जल्दी में हूँ उस्ताद, कानपुर से बड़े भैया की चिट्ठी आई है, वहाँ जाना है 10-12 दिन के लिए। हाँ मैं फिर मिलूंगा उस्ताद। अच्छा बड़ा जोर का दर्द है यहाँ सीने में। इतने बुखार में क्यों उठा रहे थे बाबू, मैं उठा कर रख दिया था। हे भगवान तुम मेरी ताकत की ओर से ना बच्चू। ये गोलियां बाजार से ले ले, सुबह शाम दोपहर एक एक करके लेना, और 3 दिन के बाद आना इधर। अच्छा था डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या है? मैं बहरा नहीं हूँ, बोल क्या चाहता है? बापू की तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। बापू? कौन बापू? प्यारे लाल। प्यारे लाल? तू तो उसी दागी आसामी का बेटा है ना? जी। Yes, that notorious character, चलता फिरता ताड़ का पेड़, जिसने बकरी बंदर पाल रखे हैं, तू उसी का बेटा है ना? जी हाँ। चलिए फीस देगा? कितने रुपए? कितने रुपए? बहुत दिनों से तू उसकी शक्ल ही नहीं देखी है इस मोहल्ले में, आजकल रहता कहाँ है? हम लोग नए घर में चले गए। कहाँ? कितने दूर? निरंजन सिनेमा के पिछवाड़े जो बस्ती है। हाँ। वहीं रहते हैं। वो तो बहुत दूर है, वहाँ जाने का 10 रुपया लूंगा और आने जाने का रिक्शा भाड़ा देगा? दूंगा। दूंगा, वाह 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 वाह, जैसा बाप वैसा बेटा, लगता है आजकल अच्छी कमाई हो रही है, बाप बेटे मिलकर खूब लूट रहे हो लोगों को। है किसी को नहीं लूटते हम लोग। अच्छा तो और क्या करते हो? मदारी का खेल दिखाकर रोजी कमाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम साधु बन गए हैं। बापू अब बीमार है डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए ना। इतनी जल्दी है तो किसी और के पास जा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर साहब कहा ना मैं नहीं जाता, आई एम नेवर हिज सर्वेंट, किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, गेट आउट। बापू बहुत बीमार है डॉक्टर साहब, बहुत बीमार है। ए लड़के ये क्या करता है? चुप हो जा चुप हो जा, आंसू बोझ, मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। अरे चल 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 अभी चल। जब तक मर्ज बढ़ ना जाए तब तक डॉक्टर को मत बुलाना, वरना ये सब कर्म हो कैसे भोगोगे? इतने दिन से दर्द हो रहा था सीने में, आकर मुझे क्यों नहीं दिखाया? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कितना परेशान रहता था इन दिनों, बाहर कहीं जा नहीं सकता, बच्चू अकेला बाहर खेल दिखाने जाता है, वो रोजगार करके लाता है, और मैं बाप होकर घर में बैठा बैठा खाता हूँ। कैसी बातें करते हो बापू, तुम्हारे लिए मैंने रोजगार करूंगा तो कौन करेगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। शाबाश बेटा शाबाश, जीता रहा, देखा ऐसा बेटा मिला है तुझे, अब तुझे क्या चिंता है? यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है डॉक्टर साहब, मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, मैं अगर अच्छा ना हुआ तो। अच्छा नहीं हुआ तो, अरे मेरे रहते हुए अच्छा कैसा नहीं होगा, लेटा रहा चुपचाप, बक बक मत कर। डॉक्टर साहब। क्या है? आपकी फीस। नवाबजादे मेरी फीस देने आए हैं, लगता है घर की जमा पूंजी तो बस यही है, अरे मुझे दे देगा तो अपने बाप को क्या खिलाएगा?
अरे जो रोग पाल रखा है उसने, उसमें तो कीमती कीमती दवाएं लगेंगी, इंजेक्शन लगेंगे। अरे मेरा मुंह क्या ताकता है, जा इन पैसों से कुछ फल लाकर अपने बाप को खिला दे, और दवाएं वगैरह मैं शाम को ले आऊंगा। चल बे। जाकी भूख लगी है, क्या करूं, आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। क्या करूं जंबू, बापू का बुखार में अकेले छोड़कर खेल दिखाने भी नहीं जा सकता। बापू को कैसे अच्छा करूं कुछ समझ में नहीं आता। जाकी जंबू, जाकी बापू पर ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। क्या छोकरा, क्या है? ये हार बेचना है, लेंगे? किसका है? मेरा। तेरा है? ये ले। ये क्या 10 रुपए? अरे चोरी के माल का और क्या मिलेगा? ये चोरी का नहीं है, ये मेरा है। ए, ए, लगे। चोड़ने लग तुम्हें? मुझे चोड़ने लगे, मुझे छोड़ दीजिए। और देखो तो कहां चोरी की, कौन चोरी की, भाग क्या चोरी की, ये तो मामले क्या है, भाग रहा। अच्छा अच्छा, ऐसे बच्चे बाहर निकलते हैं, छोड़ने लगे हैं। और मैं लेकिन पुलिस में लगे। अरे भाई ये गलत जगह यही है। अरे क्या होगा, वो साहब बता ना। अरे अबे पीछे आज जल्दी से गाड़ी चढ़ जाएगी ऊपर, कमाल हो गया भाई। मधु मधु मधु, क्या बात है? जरा फर्स्ट एड का बॉक्स देना। तो ये लड़का सड़क के मोड़ से दौड़ता आ रहा था, कहां से टकरा गया? इसे तो मैंने देखा है, मदारी का खेल दिखाता है बेचारा। भिकू बाजी, जरा दवाई का बॉक्स लाना। तो सड़क पर इस तरह दौड़ा करते हैं? वो लोग पीछा जो कर रहे थे। तूने चोरी की थी ना, क्या चुराया? जी नहीं, मैंने चोरी नहीं की यार, मेरा है। देखो तो ये तो सोने का मालूम पड़ता है। अरे ये तो वही हार है। कौन सा? देखो देखो, मुन्ने का हार है। क्या कह रही है? देखो ना, इसमें मुन्ने का नाम ही लिखा हुआ है। ये तो वही हार है। ए, कहाँ से मिलाई? मैंने चोरी नहीं की। बोल कहाँ से मिलाई यार? तेरे बापू के झोले में था, मैंने चोरी नहीं की। तेरे बाप कहाँ है? सुनो, इसे क्यों डांटते हो, जल्दी जाके पता करो ये हार कहाँ से मिला। जाओ ना। चल। बापू,
यार तुम्हारा है ना, और ये लोग कह रहे हैं मैंने चुराया है। और कौन सा है ये हार, तुझे कहाँ से मिला बेटा? तुम्हारे थैले में जो डब्बा है ना उसमें था। इसमें इसमें दो कड़े भी है, मैं यार बेचने गया था, इनसे कह दो ना बाबू मैंने चोरी नहीं की है, ये हार तुम्हारा है। हाँ बेटा तूने चोरी नहीं की। ये तुम्हें कहाँ से मिले, कहाँ से मिला ये? बोल बेटा बोल, ये हाथ तुझे कहाँ से मिला? अरे कुछ दिनों से ही तो ये सब धंधा छोड़े है तूने, वरना पहले तो चोरी डकैती ही करता था ना। अरे साफ साफ बोल देना। आप कौन हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसका इलाज करता हूँ। बोल बेटा बोल, ये सब गहने तुझे कहाँ से मिले? बताओ ये कहाँ से मिले, कहाँ से मिले ये? बेटा जरा बाहर जा। बापू। जरा बाहर जा बेटे, मुझे इनसे बात करनी है। जा, ये किवाड़ बंद कर दे बेटे। अब पूछिए बाबूजी, जो कुछ भी मुझसे पूछना है। ये गहने तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने चोरी नहीं की है। फिर कहाँ से लाए तुम? गंगा दशहरे के मेले पर मिले थे, इस साल बहुत भारी तूफान आया था, कई कश्तियां डूबी थी। 9 साल पहले की बात है, 1.5 साल का बच्चा इन्हें पहले में था। उस बच्चे का क्या हुआ? कहाँ है वो बच्चा? वो मेरा लड़का है, कहाँ है वो? मार डाला उसे? नहीं बाबूजी, मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर? वो जिंदा है। जिंदा है? मेरा बच्चा जिंदा है? कहाँ है वो? मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? बता तो, यही है वो बच्चा। बच्चू, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना मेरा बच्चा। छोड़ दो मुझे। मुन्ना, छोड़ दो। मैं तेरा बाप। तुम मेरे कोई नहीं हो। मुन्ना, मुन्ना। मैं मुन्ना नहीं हूँ, बच्चू हूँ। छोड़ दो मुझे। बापू। बच्चू, बच्चू, बच्चू। मैं तेरा बाप नहीं हूँ बेटा। तू मुझे पड़ा हुआ मिला था। ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता। तुम मेरे बापू हो। नहीं बच्चू, ये तेरे बाप है बेटा, तू इनके पास जा। मैं नहीं जाऊंगा बापू। बच्चू, नादानी नहीं करते बेटा। बाबूजी, मेरा बच्चू बड़ा समझदार लड़का है, बड़ा ही अच्छा लड़का है। गरीबी की वजह से मैं इसे अच्छी तरह खिला पहना नहीं सका, पर मैंने इसे अपने लड़के की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। बच्चू मेरा मजिस्ट्रेट बनेगा, जज बनेगा। मैं नहीं जाऊंगा बापू। बच्चू, बेटा, ये तेरे बाप है, जा जा इनके साथ जा। तुम मुझे निकाल रहे हो बापू, तुम मुझे निकाल रहे हो। नहीं बच्चू, मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? भगवान जानता है बेटा तू मेरे लिए क्या है। फिर भी बेटा इनके साथ जा। जाने को मैं बाबू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बच्चू, तू मेरा राजा बेटा है ना, रमेश मेरा कहना मानता है ना, आज का नहीं मानूंगा। तुम मैं जाने को कह रहे हो बाबू, ठीक है मैं जाता हूँ, अब कभी नहीं वापिस जाऊंगा। मैं बुलाएंगे तब भी नहीं वापिस जाऊंगा बाबू। वाह वाह वाह, आपने फरिश्ते देखे हैं? फरिश्ते ना देखे हो तो देख लीजिए, ए डकैत हैज बिकम ए मैन, ए रियल मैन। व्हाट ए वंडरफुल थिंग, डाकू ने पराया माल लौटा दिया, इससे बढ़कर अजूबा और क्या हो सकता है? डाकू शरीफ बन गया। मधु, मधु, कहाँ है मेरा मुन्ना? कुछ पता चला मेरे मुन्ने का? यही है अपना मुन्ना मधु। मुन्ना, 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 मेरा मुन्ना, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? माँ को कोई ऐसे भूल जाता है क्या? तू तो बचपन में एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकता था। मेरा 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 मुन्ना। अरे भीखू, सुखिया, देख देख देख, हमारे घर में कौन आया है?
है कि बच्चू चला गया, वो वापस नहीं आएगा, हमसे रूठ गया है। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ होगी उसके बगैर, मगर क्या करूं। अब आप मुझसे क्या देने आए हैं? तुम चाहे चोर हो चाहे डाकू, हमारे लिए देवता हो। तुम्हारी मेहरबानी से आज हमारा खोया हुआ लड़का हमें मिल गया है। मैं तुम्हारे लिए ये कुछ लाया हूं, ये तुम ले लो, ले लो। तुम मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे जुदा करके उसकी कीमत देना चाहते हो? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। चले जाओ, मैं कहता हूं चले जाओ। यही रहता है वो। अच्छा, देखती हूँ अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। तू यही रह, मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ। ठीक है, आज सारा हिसाब किताब हो जाएगा। उसने मुझसे दगा की थी ना, आज मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगी। तू जा, जा यहाँ से। होशियारी से रहना। क्या चाहती? पागल है क्या? पागल? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, तभी तो 10 साल से उसे ढूंढती आ रही हूँ। कहाँ है बादशाह? बादशाह? कौन बादशाह? तुम नहीं जानते उसे? बड़ा माना हुआ डाकू था, बादशाह। ये कौन है? ये तो प्यारे लाल है। प्यारे लाल? नहीं नहीं, नहीं। ये तो वही है, वही है, वही बादशाह। उठ, आज तेरा मेरा हिसाब किताब हो जाए। अरे अरे, ये क्या कर रही है? इस बेचारे को होशी कहाँ जो उठेगा? एक तो पहले ही से बीमार था, ऊपर से दिल पर ये सदमा। सदमा? तो तेरा भी दिल टूटा बादशाह? और नहीं तो क्या, कितने दिनों से पराए बेटों को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, और आज वो चला गया, बाप आकर लेके गया। वो बच्चा इसका नहीं था। अरे इसका बच्चा कहाँ से होगा, इसे तो मेले में मिला था, अकेले छोड़कर चला गया। तो क्या? तो तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा था? मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, नहीं दिया। सरदार, सरदार, जमुना, जमुना, सरदार, वही हो जमुना, बहुत देर कर दी। मुझे माफ कर दो सरदार, मुझे माफ कर दो जमुना। सरदार मुझे माफ कर दो जमुना। नहीं नहीं, मुझे वक्त नहीं गंवाना चाहिए। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए, ये तुम्हारी जमुना नहीं देख सकती। मैं आती हूँ जमुना, अभी आती हूँ सरदार। Thank you.
बता रहा हूँ, इन आंखों से देख के आया हूँ। अरे हम भी जाकर उसे वहीं देखें तब मानेंगे, क्या पता वो फिर ना हवा हो जाए। अब वो कहीं नहीं जा सकता सरकार, मैं उसे बस में करके आई। तू? हाँ। जमना मेरे साथ है हजूर। रत्ना जरा सुन। चलो चलो तुम लोग गाड़ी में चलो। गाड़ी घुमाओ। रत्ना तू आज बहुत खुश है ना? हाँ रही, आज हमारा जीत का दिन है ना? तुझे इनाम भी मिलेगा। आया हजूर आया, जल्दी बोलना क्या बात है। रत्ना फिर तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा? कैसी बातें करती है, तू मुझे बहुत चाहता है। तू नहीं जानती क्या? सच? बिल्कुल सच, लेकिन तू? मैं तो तेरी हूँ जमुना। सो जा बेटे, सो जा। सो गए? नहीं, मुझसे कुछ बात ही नहीं करता, एक बार भी माँ कहकर नहीं पुकारा। पता नहीं यहाँ रहेगा भी या फिर भागकर वहीं चला जाएगा। यही तो मैं भी सोचती हूँ, एकदम अजनबी जैसा बर्ताव करता है। अभी तो ऐसा होगा ही, दरवाजा बंद कर दिया ना? हाँ। अच्छा किया। अरे थोड़ी देर तो चुप रहा, इस तरह बेचैन होगा तो हालत और बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब मेरा वक्त हो गया है ना? फिर बकबक कर रहा है, कहता हूँ ना चुप कर। चुप तो कर ही जाऊंगा डॉक्टर साहब, मेरा बच्चू बहुत अच्छी तरह से रहेगा, अपने माँ बाप के पास चला गया है, वहाँ बड़े सुख से रहेगा, खूब पढ़ेगा, लिखेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। डॉक्टर साहब आप जानते हैं ना, मेरा बच्चू जज बनेगा। उस्ताद बंसी, मेरे बच्चू से एक बार मुझे मिला दो, मेरे बच्चू को एक बार मुझसे मिला दो। बच्चू, 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 अभी तक नहीं आया बेटा। बच्चू आजा, बच्चू, बच्चू, बच्चू। जम्बू, जम्बू,
तेरा मुन्ना चला गया। बापू, मैं वहां नहीं रह सकता बापू, इसलिए मैं वहां से भाग आया। मैं तुम्हारे पास रहूंगा बापू। बापू, 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 जरा देर पहले आते बना नहीं रहे, बेचारे ने तुझे एक बार देखने के लिए तरस तरस कर दम तोड़ दिया। डॉक्टर साहब, मेरे बाबू को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे बाबू को बचा लो। माँ, मेरे बाबू को बचा लो माँ, मेरे बाबू को बचा लो। कहाँ है बादशाह? बादशाह कहाँ है? उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, सारे बंधन छोड़कर चला गया। आप कौन है? मैं डॉक्टर, लेकिन उसे बचा नहीं सकता। बादशाह, तू सचमुच बादशाह था। दुनिया में ऐसा कौन मरता है इसके लिए? रोने वाला कोई अपना नहीं, पराये रोते हैं, जानवर रोते हैं, बकरी बंदर रोते हैं। सैल्यूट बादशाह, सैल्यूट बादशाह, जिंदाबाद बादशाह, जिंदाबाद।